की सरकार देखना चाहेंगे? भाजपा क्या सोच करके वोट दीजिएगा? क्या सोच के वोट दे, आप ही कहेगा वही सोच के देंगे। मुद्दा या विकास का रहेगा कि इस क्षेत्र में जो जो विकास हुई है उसी को आधार बनाते हुए हम लोग वोट देंगे। किसकी सरकार देखना? वो कोई सरकार रहे, भीतर जाए कोई सरकार, कोई लेना देना नहीं है। हेमंत सरकार कुछ काम ही नहीं करते हैं। भैया योजना सिर्फ मैया लोग और भाई लोग का, भूखे तो मर रहे, खा खा की उस सरकार के वोट देवे की सरकार के वोट देवे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में आम जनता के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि इस बार जो है वो किसकी सरकार वो देखना चाहेंगे। इस वक्त जो है हम राजधानी रांची के एक सब्जी मार्केट के पास है, वेजिटेबल मार्केट है रांची का, और यहाँ आइए दिन यहाँ पर जो है लोगों की यहाँ पर सब्जी खरीदारों की भीड़ लगती है और सब्जी विक्रेता है, और यहाँ पर लोगों का जो है मन जानने के लिए यहाँ पर आए हैं कि इस बार जो है किसकी सरकार वो देखना चाहेंगे। भैया इस बार किसकी सरकार आप देखना चाहेंगे? भैया जो सरकार में हम लोगों को बाजार में चाहिए, जाके देख लीजिए बाजार की तो स्थिति ऐसी कोई खास है नहीं। मतलब हेमंत सरकार जो है नहीं, इस पर मेंटेनेंस किसी तरह का कुछ किया ही नहीं। अच्छा, मेंटेनेंस के बारे में तो भैया जब हमारा ही मेंटेनेंस नहीं हुआ यहाँ का तो हम आगे का क्या जानेंगे। चलिए वाह, ये जो है यहाँ की व्यवस्था के बारे में बता रहे थे कि किसकी किस तरह की व्यवस्था यहाँ मिल रही है, यानी आम जनता के मन में जो है कहीं ना कहीं सरकार की जो व्यवस्था है वो सरकार की व्यवस्था पर ये सवाल उत्पन्न कर रहे हैं। ये बताइए कि इस बार जो है किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बताइए किसकी सरकार? वही जानता है भाजपा सरकार या हेमंत सरकार? हाँ बताइए आप, किसकी सरकार देखना चाहेंगे? भाजपा। भाजपा क्यों, हेमंत सरकार से उब गए क्या? हाँ उब गए, हेमंत सरकार कुछ काम ही नहीं करते, कुछ काम नहीं किया। अच्छा, अरे दीदी मैया योजना जो है ये सब वो सब? मैया योजना सिर्फ मैया लोग और भाई लोग का, भाई लोग का तो कहीं ना कहीं योजना जो है लेके आना चाहिए। ये बिल्कुल लाना चाहिए, सिर्फ महिला की क्रूज भी होना चाहिए ना। तो सरकार तो ये कह रही है ना कि भाई युवाओं को साथ लेकर जाएंगे और बहुत से ऐसा कार्य करेंगे, ऐसा तो बोल ही रही है, तो फिर हेमंत सरकार से इतना नाराज क्यों? हाँ लेके जाएंगे तो अच्छी बात है, पर अभी तक तो लेके गया नहीं है। अब भाजपा पर आप विश्वास कर रहे हैं? भाजपा क्या विकास कर पाएगी? भाजपा कर ही रही है, आज इतना देख ही रहे हैं, भाजपा सरकार तो कर ही रही है काम। भाजपा कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो होगा सब सही। अच्छा, जो होगा सब सही। देखिए यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं। भैया इस बार चुनावी जो मूड है आप लोगों का क्या आकलन लगता है? चुनाव जो वोट देने जाएंगे वो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा या विकास का रहेगा कि इस क्षेत्र में जो जो विकास हुई है उसी को आधार बनाते हुए हम लोग वोट देंगे। विकास को आधार बनाएंगे, जो रांची का जो डेवलपमेंट हाल फिलहाल देखो गाड़ी आ रही है, जो हाल फिलहाल में जो रांची का डेवलपमेंट हुए हैं, फ्लाईओवर हुए हैं, अदर वर्क्स हुए हैं, जो उसको आधार बनाते हुए हम लोग वोट देंगे, वो हम लोगों के जेहन में रहेगा, विचार में रहेगा। अच्छा, हेमंत सरकार जिस तरह से ये 5 साल का कार्यकाल जो है वो किस तरह से देखते हैं? सही सही है कार्यकाल उनका, सही रहा है इनको, मैंने अपॉर्चुनिटी जितना मिल पाया, मेरी जुड़ी सरकार थी फिर भी इन्होंने जितना प्रयास किया है मैंने उसको सराहनीय है, और हम हाँ उसको हम मैंने अच्छा उनका ये सोचते हैं कि उन्होंने जो भी किया है अच्छा किया मिला। इस बार जो है उनको ही देखना चाहिए, विचार इस तरह कहीं हम लोग का है, उन्हीं को देखना चाहिए। तो विकास के मुद्दे पे वो खरा उतरे, खरा उतरे रांची के लिए खास। आप क्या कहना चाहेंगे विकास के मुद्दे पे? एक युवा है, युवा होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए हेमंत सरकार जो है महिला ये सम्मान योजना जो लेके आए हैं, मैया सम्मान योजना, हाँ, इसके बारे में क्या कहें? हाँ सुनने में आया है, बट हमें राजनीति में उतना इंटरेस्ट नहीं है। जाएंगे ना? जी जाएंगे। तो क्या सोच करके जाएंगे? बस हम यही सोचेंगे कि हम जिसको चुने वो सही सही इंसान हो और सही चीजों पर ध्यान दे। अच्छा, सही चीजों पर ध्यान दे है ना, यानी लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं कि सही चीजों पर ध्यान दे। भैया क्या आप कहना चाहेंगे? इस बार किसकी सरकार देखना? वो कोई सरकार रहे, भीतर जाए कोई सरकार, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, कोई भी सरकार से आप कुछ नहीं है, कुछ ना लेना देना है। अरे जो काम आप करे वही काम कीजिएगा, उसे बेची नहीं होगा आपका, कि कोई भी सरकार बने लेना देना है नहीं, और जिसमें वोट मारना उसमें वोट मार दीजिए, जिन्हें जीतेगा उन्हें मार दीजिए। अच्छा, हेमंत सरकार के कार्यकाल को किस रूप में देखते? वो हमको संबंध मालूम है, मतलब राजनीति के बारे में हमको मालूम नहीं है।
अच्छा, वोट का अधिकार आपके पास है? हाँ, वोट के पास अधिकार है। जिसका देखेंगे ज्यादा वोट पर रहा उसी को वोट दे देना। अच्छा, हो गया कहानी खत्म। चलिए दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच करके वोट करेंगे? अब आएगा वोट तो देखा जाएगा भैया। अरे तो वोट आप ही ना दीजिएगा, हम थोड़ी दीजिएंगे, हम अपना सोचेंगे। अब होती नहीं सोचा जाएगा, अब अभी का हो जाएगा तब। अच्छा, हो जाएगा तब। हो जाएगा तब, अभी हम कहा बोले बताइए, पड़ेगा तो इन्हीं का, सबके खा जा रुपया दे रहे तो इन्हीं का ना पड़ेगा। तो आप लोग गुजारा भत्ता कैसे चलता है, जो आप लोग सब्जी उब्जी बेचते हैं उसके? हाँ हो रहा है भैया गुजारा, कुछ रोड में लगाते थे रोड में लग गया ना रहा, यहाँ भूखे तो मर रहे थे, खा खा की उ सरकार के वोट देवे की सरकार के वोट देवे से बताए, पेट भरेगा तबे ना। कोई ना कोई वोट दीजिएगा ना। देंगे तब होती देखिएगा ना, देंगे हम भी। अच्छा, अभी कुछ मर रहे भूखे तो देखल जाएगा। क्या सोच करके वोट दीजिएगा? क्या सोच के वोट दे, आप ही कहेगा वही सोच के देंगे। अच्छा ठीक है, जो आप कहेगा वही सोच के देंगे। नहीं नहीं, हेमंत सरकार जो है उनका कार्यकाल किस तरह देखते हैं, वो अच्छा कार्यकाल नहीं है? लोग रेबड़ी बांट के वोट ले रहा है, ऐसे सरकार चलती है? जो सरकार इस तरह से कहता है, रोड में पढ़ा लिखा घूम रहा है उसको नहीं रोजगार दे रहा है, घर घर बांट के दारू पीने के लिए बांट रहा है, ये सरकार ठीक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर पब्लिक का मूड भी जो है यहाँ पर सामने आ रहा है कि ये सरकार ठीक नहीं। इस बार जो है वोट करने जाएंगे ना? हाँ। तो वोट करने जाएंगे, क्या सोच करके जाएंगे? वोट करने जाएंगे तो अभी हम सोचे हैं कि कुछ अभी वोट तो नहीं देंगे किसी को। कहाँ से नहीं देने का मन है, वोट ही नहीं दीजिएगा? अभी किसी को नहीं देंगे, काहे ले देंगे वोट, कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा तो का मतलब। तो घर से नहीं निकलिएगा? नहीं नहीं, घर से ही नहीं निकलेंगे। मन बना लिए? हाँ, सब परिवार मन बना है। हाँ तो लाभ मिलेगा तब ना, लाभ ही नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? अरे बाप रे, देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई कोई जो है लोग ये भी कह रहे हैं कि हम वोट भी नहीं देंगे, यानी कहीं ना कहीं आक्रोश है कि उनका काम नहीं हुआ, योजना का लाभ जब नहीं मिल रहा है तो वोट देने क्यों जाएंगे। चलिए और भी लोग हैं, क्या कहेंगे भैया, क्या बोलेंगे चुनाव को लेके, क्या कहेंगे? सुना आएगा तो वोट देवे करेंगे ना। तो सुना आपने कि किस तरह से रांची की जनता ने अपना मूड और मिजाज बताया है, किसी ने हेमंत सरकार के पक्ष में अपनी बात कही है तो किसी ने भाजपा के पक्ष में बात कही है, यानी जनता है, जनार्दन है, प्रत्याशी की किस्मत भी जो है जनता के मूड पर निर्भर करता है, जनता जो है वो सरकार चुनती है और सरकार भी गिराने का वादा रखती है। तो रांची की जनता से हमने रूबरू होते हुए कई बातों को जाना और ये महसूस किया कि जनता जो है अब की बार किस मूड में दिखाई दे रही है। रांची से जीएन भारत के लिए मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।